जब मुझे पहली धुन मिली थी मैं बीमार पड़ गया था, मुझे लगा यार मैं राइटर ही नहीं हूँ, ऐसी ऐसी फीलिंग आने लग गई थी। अब जब पिक्चर कोई 100 करोड़ की फिल्म बन रही है तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक होता है, वो पिक्चर के अंदर होता है, हम पिक्चर से बाहर देखते हैं। अब ये जो लाइन मैं लिख रहा हूँ, मैं मेरे को लगा ये सब पे लागू होती है। मीठी सी वो गाली तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं, बहुत हाई है सर, तेरा यार हूँ मैं। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो, कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। जब गाना लिखता हूँ कुछ सिचुएशन पे, तो मैं पहले सोसाइटी से जो कनेक्शन है गाने का वो ढूंढता हूँ, खुद को भी साइड पे करता हूँ, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को भी साइड पे करता हूँ, कंपोजर को भी एकदम के लिए, कि जो सोसाइटी में चल रही बात या जो कनेक्शन मैं गाने में लाता हूँ, वो अगर वो कनेक्शन आए तो गाने को ऑटो माइलेज मिल जाती है। गाना जब हम लिखते हैं फ्लॉप, और फ्लॉप तो पता लगता है, फ्लॉप तो इजी लिख लेंगे, हिट गाने का पता नहीं होता, लेकिन उसमें एक करंट जरूर होता है, एक करंट महसूस हो जाता है आपको, इसमें कोई बात है। तो एक बात सोसाइटी की, समाज की जब बात आती है और जब गाना उन तक पहुंचता है, उनको लगता है हमसे ही छीन के बना लिया लगता है इसमें। अच्छा, तो वो कनेक्ट होता है उनके साथ, हमारी कोई बात कह दी। हाँ, हमारी बात कह दी। ओके, तो जब नॉर्मली ज्यादातर लोग नहीं जानते, आम ऑडियंस, कि जब यहाँ पर गाने लिखे जाते हैं तो ज्यादातर केसेस में धुन पहले बनती है और बोल बाद में आते हैं, तो जब वो लिमिटेशन आ जाती है गीतकार के तौर पर आपके पास, तो कभी बंदिश लगती है या इजी हो गया? वो एक टेक्निकली आर्ट है, वो शुरू से था इंडस्ट्री में और हमेशा रहता है। मैं बता दूं, जितने भी गीतकार हैं या आने वाले गीतकार हैं, मोस्टली मुझे भी नहीं मालूम था जब मैं आया था इंडस्ट्री में कि गाने मैं पहले लिखता था, लेकिन इंडस्ट्री में आके मुझे पता लगा धुनों पे गाने लिखे जाते हैं। और मैंने जितने भी गाने लिखे, शायद 90% या 99% गाने धुनों पे लिखे गए। और धुनों पे लिखते लिखते बात बनती है, एकदम से नहीं आता। जब मुझे पहली धुन मिली थी मैं बीमार पड़ गया था, मुझे लगा यार मैं राइटर ही नहीं हूँ, ऐसी ऐसी फीलिंग आने लग गई थी। लेकिन स्लोली स्लोली जब आप काम करते जाते हैं, रिफाइन होते हैं अपने आप, वक्त के साथ थोड़ा सा, जैसे लकड़ी होती है रंधा मार के पॉलिश होता है, वैसे वक्त उसको करता है, आपको पता नहीं होता, आप रंधा लगता होता है, लेकिन डेडिकेशन चाहिए उसके लिए आपको। वो जो रियाज करते हैं सिंगर, राइटर का भी एक रियाज होता है, वो प्रैक्टिस होती रहती है। अब स्क्रैचेस लिखते हो, स्क्रैच लिखते लिखते आपको आइडियाज आते हैं कि ये धुन कहाँ पे काटनी है, फ्रेटिस क्या, फ्रेटिस बड़ी एक बात सीखी मैंने, क्योंकि अब सीडी और कैसेट का तो युग नहीं है, right। तो जब सीडी कैसेट होती हम बाजार में खरीदने जाते थे, आर्टिस्ट और बाजार के बीच में एक रिलेशनशिप होता था, अब वो खत्म हो गया। डिजिटली प्लेटफॉर्म पे इमीजिएटली आपके पास गाना आता है, तो इमीजिएटली आप डिसीजन ले लेते हो उस गाने का। तो इस युग में गाने में क्या कंटेंट होना चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लफ्जों का साइज वही रहने वाला, सिर्फ बात बड़ी होती है। जब आप गाना, आपके ज्यादातर जो गाने हैं उनकी जो आप हुक लाइन कह लो या जो एक टाइटल है गाने का, भी एक जो टाइटल है आपका, वो जल्दी कनेक्ट हो जाता है लोगों से, तो उसका आप स्पेशली ध्यान रखते हो? बिल्कुल, पहले लोग पूछते थे मुखड़ा गया गाने का, आप पूछते हुक लाइन गया गाने की। तो आप जब हुक लाइन पे काम करते हैं, तो मैं पहले हुक लाइन ही बनाने की कोशिश करता हूँ। अब वो हुक लाइन होती है, जैसे कोई ढाबा है, वो ढाबा फेमस होता है जिसकी दाल का तड़का अच्छा होता है। हाँ, तो मैं तड़के में बिलीव करता हूँ, तड़का, जैसे दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड है बेबा, कुछ सी बात आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छोड़ के, बट कनेक्ट लग रहा है मुझे इसमें, माइलेज बहुत है इसमें। और वो बात जब कनेक्ट होती है लोगों तक पहुँचती है। हुक लाइन का दौर सर ऐसा है कि आज पहले हुक लाइन जैसे T20 मैचेस होते हैं वैसी हुक लाइन होगी, इंस्टेंट उसका इफेक्ट पता होना, और अच्छे फनेटिक्स के साथ राइमिंग भी, आपको प्यार हो गया, करार हो गया, दिलारो इंतजार नहीं चाहिए, गाना फिल्म में तो हो बल्कि फिल्मी ना हो, ऐसा है आज का दौर। और आज मुझे लगता है लिरिसिस्ट के लिए आज का दौर सबसे टफ जो होगा लिखने के लिए, क्योंकि वो जो फिल्मी राइटिंग थी वो फिल्मी राइटिंग नहीं रही, और अब उसमें एक नया तड़का आ गया। अगर मैं गाने लिखता हूँ मतलबी हो जाता, ज़रा मतलबी, ये ढोलक पे होता तो उतना अच्छा नहीं लगता जितना ग्रुप में अच्छा लग रहा है। तो आप वाइल वर्किंग, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है डिफरेंट लोग, क्योंकि मैं तो आया था लल्लू दिमाग लेके, तो मैं ये बोलूं कि यार सब मुझे आता ही था पहले दिन से, ऐसा नहीं था। आप बहुत लोगों के साथ काम करते हो, उनकी पर्सनैलिटी, उनका बात करने का ढंग, उनके साथ काम करते करते उनकी परछाइयाँ आपके अंदर आने लगती है। तो कुमार बनने में, कुमार जो बना है वो घर से तो भोला भाला आया था, आज भी है उतना ही, लेकिन जो लोगों की थोड़ी थोड़ी पर्सनैलिटी, थोड़ा थोड़ा उनका अंग मेरे अंदर आया, तो मैं इस तरह से आज बात कर पा रहा हूँ। अब जब पिक्चर कोई 100 करोड़ की फिल्म बन रही है, तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक होता है, वो पिक्चर के अंदर होता है, हम पिक्चर से बाहर देखते हैं गाने को, तो हम चाहते हैं कि यार ये गाना अप्रूव हो जाए, लेकिन कभी वो बाउंस होता रहता है गाना। बाउंस काफ़ी बार होता है, अगर जब तक डायरेक्टर को, कुछ डायरेक्टर होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं कि पुटिंग फिटिंग वाले, कि आप प्रमोशनल टैग डाल देते हैं गाने, कुछ डायरेक्टर बिल्कुल अलाउ नहीं करते, उनको अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक ही गाना चाहिए।
वो भी अपनी जगह राइट है, और हम चाहते हैं, मेरे नज़र में मैंने एक सोचा है कि गाना इंश्योरेंस की तरह होना चाहिए, फिल्म के साथ भी, फिल्म के बाद भी। ओके क्योंकि फ्यूचर में फिल्मों को गानों से याद रखा जाता है, एफएम पे गाने बजते हैं, जो गाना अच्छा लगता है हम पूछते हैं किस फिल्म का गाना। राइट तो जैसे ओ माई गॉड फिल्म है, उसका गाना लिखा है मैंने, मैं तो नहीं इंसानों में बिकता हूँ, मैं तो दुकानों में, वहाँ पर मैं प्रमोशनल ट्रैक नहीं सोचूंगा, मैं पिक्चर को निभाऊंगा। स्क्रिप्ट ही ऐसी है, स्क्रिप्ट ऐसी धार्मिक है कि उसके अलावा मैं अब बेबी डोल नहीं सो सकता मैं। राइट तो मेरा दिमाग उस पर्टिकुलर वे पर, अगर पिक्चर कमर्शियल है तो पहले दिन से दिमाग कमर्शियल रहता है कि आप हुक लाइन बड़ी बनाओ, गाना बड़ा बनाओ, तो डायरेक्टर बोलता है आप मुझे हिट गाना तो मैं डाल दूंगा। अब हिट गाना मुझे मालूम नहीं, आप करंट वाला गाना पता लगता है, तो मैं बोलता हूँ मेरे पास करंट है, दुनिया वायर है, मुझे वायर में डालो, घर घर में बिजली आएगी। ओके जैसे ओएमजी का आपने बताया, तो उसमें कहीं ना कहीं वो पूरी फिल्म की कहानी को एक स्क्रीन प्ले की तरह ही आगे बढ़ा रहा है। ऑफ कोर्स, और कई बार एक रिलीफ और एक ब्रेक के लिए भी गाना यूज होता है, तो उस तरह से आप डिफरेंस करके फिर बना लेते हो। गाना यार जब मैं लिखता हूँ ना, तो सिर्फ मुखड़े तक बात नहीं, उसको निभाना पड़ता है, एक रिश्ता बन जाता है गाने के साथ। हर गाने से एक रिलेशनशिप है आपका, आप उसका चेहरा बना के छोड़ नहीं सकते, पूरी बॉडी अच्छी बनानी पड़ती है। जैसे ईश्वर हमें बना रहे हैं, लेकिन इधर से लेकर शरीर एक ही है, सिर्फ चेहरों का फर्क है, लेकिन चेहरों में कितनी ब्यूटी, उसके बाद नाक, होंठ, आँख, कान, गाल, पाँच शब्दों में कितनी बड़ी दुनिया बना दी है। हमारे पास इतने लफ्ज़ हैं, फिर भी हम ढंग का मुखड़ा नहीं बना पाते। अभी तक कुमार भाई कितने गाने लिख चुके हैं आप? मैं सर काउंटिंग में नहीं करता, मैं हिसाब किताब में नहीं हूँ। अप्रोच हो गया होगा, मतलब हो गया होगा, अच्छा खासा हो गया। कई राइटर मुझे बोलते हैं पाजी यार क्या लिख रहे हो यार, मुझे भी बोलते हैं यार कुमार जैसा लिख दो, तो वो एक बड़ी बात है मेरे लिए। बड़े शहर, छोटे शहर से आके बड़े शहर में आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग बन जाना, आपका एक अपना रुतबा, अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग है, वो बहुत ज़रूरी है सर। नहीं तो लोगों को किसी से तोला जाता है हमेशा, वो उसके जैसा लिखता है, वो उसके जैसा लिखता है, वो उसके जैसा। इस टैग से थोड़ा मैं बाहर, कुमार को बोला जाता है कुमार जैसे लिखो। हाँ, मेरे को ये खुशी इस बात की कि एक अपना एक देसी सा आदमी आता है, ढाबे जैसा दिमाग है उसका, और सरकारी स्कूल से पढ़ के आया, शायद एक आधा इंजेक्शन भी पोलियो डूरी का रह गया होगा मेरा, तो मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। ओके कुमार जी, आप हिट गाने ही लिखते हैं, जो लिखते हैं वो हिट हो जाते हैं, लेकिन जो आपके दिल के करीब है वो फैंस के लिए? काफ़ी गाने लिखे हैं, कई बार रोमांटिक भी होते हैं, सैड गाने भी होते हैं, ये तो प्रोसेस है। एक गाना मिलेगा तेरा यारों में, सोनू की टीटू की स्वीटी में गाना, जो मेरे को पसंद है, क्योंकि रूटीन में हम ये गाने नहीं लिखते। जब भी ये गाने लिखे जाते हैं, डायरेक्टर का एक सोच होती है, उन्होंने कैसे शूट करना है गाना, तो उसमें कुछ लाइनें जो मुझे पसंद है ज़्यादा, मैं हम कर देता हूँ, इतना ज़्यादा सुर में नहीं, फील में ज़्यादा हूँ, तो सुर में भी एक फील होती है। आजा लड़े फिर खिलौनों के लिए, तू जीते मैं हार जाऊँ, आ जा करें फिर वही शरारतें, तू भागे मैं मार खाऊं। अब ये जो लाइन मैं लिख रहा हूँ, मेरे को लगा ये सब पे लागू होती है। राइट राइट। मीठी सी वो गाली तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं, बहुत हाई है सर, तेरा यार हूँ मैं, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से, यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा, ए दुनिया पित्तल दी, ए दुनिया पित्तल दी, ए फीलिंग ना समझे दीवाने इस दिल दी, दीवाने इस दिल दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कुमार जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी अच्छी और नई नई बातें आपने बताई।